सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमआर कॉलेज। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो फिल्ट्रेशन का जो पहला सेक्शन था वो हमने फिल कर दिया था, वो मैकेनिकल मीडिया था हमारा। तो हमने उसके बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो को, जिसमें हमने मैकेनिकल मीडिया के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बायोलॉजिकल मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा जो फिश टैंक होता है वो फिश टैंक के अंदर जो हम जो फिश रखे रहते हैं, तो वो फिश रखे रहते हैं तो वो जो फिश मूव करती है उसे हम खाना देते हैं, और वो खाना कोई एक्स्ट्रा बच भी जाता है तो फिर एंड ये सब गंदगी की वजह से जो हमारा जो पानी का जो लेवल होता है पानी के अंदर, तो उसके अंदर जो अमोनिया का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अमोनिया जो है फिश के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो जो उसकी वजह से ही आपकी फिश जो है वो जल्दी मर जाती है। तो जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन क्या होता है ना, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के अंदर वो बहुत सारे पोर्स वाले जो भी चीज़ होती है ना उसको आप बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो वो जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया आते हैं, तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है अपना घर बनाता है, अपनी कॉलोनी बनाता है। तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है वो जो अमोनिया होता है ना वो अमोनिया को ख़त्म करता है। वो किस तरीके से ख़त्म करता है, वो अमोनिया को खा जाता है एंड उसके बाद वो अमोनिया को खाने के बाद वो नाइट्राइड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम इंसान लोग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो वैसे ही अमोनिया जो होता है ना, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है ना वो अमोनिया इनहेल करता है एंड एक्सहेल करता है नाइट्राइड में। तो एक टाइप के ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया आते हैं एंड दूसरे टाइप के ऐसे भी आते हैं जो नाइट्राइड को इनहेल करते हैं एंड नाइट्रेट को एक्सहेल करते हैं। तो यानी कि अमोनिया, नाइट्राइड एंड नाइट्रेट, तो ये ऐसे तीन फॉर्म होते हैं। तो जो नाइट्रेट होता है ना वो सबसे कम हार्मफुल होता है फिश के लिए एंड जो अमोनिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल मीडिया का यही काम होता है हमारे फिश टैंक के अंदर, जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। तो जैसे कि हमने मैकेनिकल मीडिया, हम जो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, जैसे हमने जो स्पंज वगैरह लगाया था, तो वो जो फिल्ट्रेशन होता है वो इसलिए होता है कि जो हमारे टैंक में विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो दिखते हैं हमें गंदगी दिखती है जो हमारे टैंक के अंदर, उसको ख़त्म करता है। एंड ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपका जो टैंक है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है बट फिर भी आपकी फिशेज मर जाती है। वो इसलिए वजह से ही मरती है क्योंकि आपके पानी की जो क्वालिटी होती है, सबसे मेन चीज़ जो होती है आपके फिश टैंक के लिए, अगर आप फिश टैंक रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका ध्यान यही रहना चाहिए कि आपका जो टैंक है उसके जो पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जितना भी चाहे आप अपने ग्लास को क्लीन रखें, आपका दिखने में आपका टैंक जितना भी अच्छा लगे उससे कोई मतलब नहीं होता। भले से आपके टैंक में बिल्कुल काई जमी हो, जो एल्गी वगैरह होती है वो आपके बैकग्राउंड में आपकी ग्लास पे लगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टैंक गंदा है या साफ है। आपका टैंक जो है वो वाटर की क्वालिटी से समझ में आएगा। आपकी फिशेज जो है जितना ज़्यादा लॉन्ग लाइफ अगर आपको पालना है आपकी फिशेज, तो उसके लिए आपको जो वाटर की क्वालिटी है वो अच्छी बनानी है। और वाटर की क्वालिटी जो होती है वो बायोलॉजिकल मीडिया से ही होती है क्योंकि वही उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो बस बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन इसीलिए हम यूज़ करते हैं। एंड अगर आप बायोलॉजिकल मीडिया के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल मीडिया में बहुत सारे मीडियाज आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो होता है ये सेरेमिक रिंग। ये आप देख सकते हैं ये सेरेमिक रिंग है। ये सेरेमिक रिंग जो होता है ना ये खास बनाया जाता है बायोलॉजिकल मीडिया के लिए। तो इसमें ये इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर जो रिंग होती है इसके अंदर से बहुत ईजिली पानी पास हो जाता है एंड ये जो रिंग के अंदर ना बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं जो हम अपनी आँख से देख नहीं सकते। वो अपने को दिखेगा भी नहीं, वो अपन माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने बारीक बारीक पोर्स होते हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है इसकी वजह से, जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हमें, तो उससे क्या होगा, जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी लोग फॉर्म करेंगे। मतलब जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया उतना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो बस देख सकते हैं आप ये जो इसके लिए जो सेरेमिक रिंग इसलिए यूज़ की जाती है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये जो पैकेट है, आप देख सकते हैं ये 1 kg है दोनों, ये हाफ के जी है, हाफ के जी। ये हमने अमेजोन से बाय किया था तो ये हमें काफ़ी चीप रेट में मिला था मार्केट में। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, 400 per kg, 500 per kg। अमेजोन पर ये हमको 285 per kg मिला है हमको। तो हम जो अगर आपको ये बाय करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के, तो ये हमें मार्केट में मिला काफ़ी चीप रेट में मिला। ये हमें 300 rupees per kg में मिला है तो ये हमने पूरा 10 kg उठा लिया। ये थोड़ा सी इससे ज़्यादा है बट ये थोड़ा अच्छा लगा हमको देखने में क्योंकि इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है। तो इसके लिए हमने ये खरीद लिया है 10 kg। देखो तो ये बॉक्स में पूरा जो भरा है ये पूरा 10 kg जो है ये हमारा सेरेमिक रिंग। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरे पास लावा रॉक्स है।
तो ये लावा रॉक भी वही काम करता है, बायोलॉजिकल मीडिया का ही काम करता है। तो लावा रॉक का भी यही फायदा है कि इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, ये आप इसके अंदर पोर्स देख सकते हैं, ये बारीक बारीक इसके अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, ये लावा रॉक है। तो ये ऐसे लावा रॉक के नाम पे ना मार्केट में काफी सारे जो रॉक्स आते हैं जो बहुत फेक भी होते हैं, चीप होते हैं। ईंट आप देख सकते हैं, जो अपने घर में बनाने वाली ईंट आती है उसको भी आप तोड़ तोड़ के लोग बेच देते हैं कि ये लावा रॉक है। बट लावा रॉक पहचानने का एक ये तरीका है कि लावा रॉक जो होता है ना काफी ज्यादा हल्का होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जितने सारे है ये सब जो है ना हाफ के जी भी नहीं, बहुत ज्यादा हल्का रहता है। आप देख सकते हैं एकदम हल्का रहता है बहुत। तो ये जो लावा रॉक अगर आप कभी भी बाय करने जाओगे तो इसकी पहचान यही है कि ये एकदम लाइट वेट होता है। तो जो अगर वेट वाला है तो समझ लेना वो ओरिजिनल नहीं है। तो ये लावा रॉक वही होता है, ये नेचुरल होता है बिल्कुल। तो ये अराउंड आपको 250 रुपीस पर केजी में मिलता है। एंड इसी में ही ब्लैक कलर के भी आते हैं लावा रॉक, वो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, 300 केजी या फिर 400 केजी के अप्रॉक्स उसमें ही आता है। तो आप देख सकते हैं ये लावा रॉक हो गया। इसके अलावा जो आता है फायरवॉल्स वगैरह आता है, केवर मीडिया आता है। तो कैसा है ना, बायोलॉजिकल मीडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा वो टॉपिक है। तो ये जो सब है ना, ये जो आप देख सकते हैं ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया जो है ना वो पानी के अंदर हम रख देते हैं तो ये सबमर्ज हो जाता है। मतलब पूरा हमारे जो टैंक, जो अगर सम टैंक है या इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो उसके अंदर कैसा रहता है, ये हम उसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर पानी पूरा फिल होता है और हमेशा इसके अंदर पानी में ही डूबा रहता है ये। तो इसको सबमर्ज बोला जाता है। एंड उसके अलावा जो आता है ना वो बायो बॉल्स वगैरह आता है। तो बायो बॉल्स वगैरह जो आता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लगा देते हैं, देख सकते हैं। तो ये बायो बॉल्स जो होता है ना, इसके अंदर भी जो काफ़ी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अंदर एक छोटा सा स्पंज होता है, वो स्पंज भी जो होता है उसके ऊपर भी अपना जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है ना वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। बट बायो बॉल्स जो है वो डूबता नहीं है पूरा पानी के अंदर। तो वो जिसको डुबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फील करना होगा और फिर उसको ऊपर से किसी चीज़ से रोकना होगा, बंद करना होगा, वरना वो ऊपर आ जाते हैं पानी में, सरफेस पे ही घूमते हैं। तो बायो बॉल्स जो है ना वो अलग मीडिया है। मतलब बायो बॉल्स अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए कैसा रहता है, एक पूरा सिस्टम आता है, इमर्ज बोला जाता है उसे। मतलब वो कैसा रहता है, वो पानी में डूबा हुआ नहीं होता है, बस ऊपर से उसके ऊपर रेन जैसा पानी ऊपर से आएगा और उसके नीचे से पास हो जाएगा। तो मतलब उसके अंदर पानी फिल नहीं होता है। बट और उसे यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे हम इंसान लोग कैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड जो हम खाते हैं वो जो खाते हैं हम जो कार्बन खाया जाता है, हम जो खाते हैं वो कार्बन होता है। तो वैसे ही जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है ना उनको भी ऑक्सीजन लगता है। तो ये जो पानी में जब ये डूबा होता है ना तो इनको ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलता है। तो इसके लिए ये इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं ना, तो थोड़े समझ लीजिए आप थोड़े वीक होते हैं। जो इमर्ज वाले होते हैं जिनके अंदर ऊपर से पानी रेन ड्रॉप होता रहता है, तो उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इसके लिए इमर्ज बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो इमर्ज जो फिल्ट्रेशन होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है इसके मुकाबले में। एंड तो इमर्ज जो है वो ज़्यादातर यूज़ तो होता नहीं है, वो इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि उसके लिए अलग डिज़ाइन करना होता है आपको सम टैंक में, वो आप सम टैंक में ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग डिज़ाइन करना होता है ताकि जो पानी का लेवल है वो उसके नीचे ही रहे एंड फिर उसके बाद आगे, मतलब पूरा सम टैंक अलग डिज़ाइन करना होता है उसके लिए। एंड इसके बाद जो आता है वो फ्लूइडाइज मीडिया आता है। वो फ्लूइडाइज मीडिया होता है वो केवल मीडिया आकर के आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है वो। तो वो जो होता है ना वो हम पानी में लगाते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो जो पानी का जो आपके सम टैंक में अगर आपने सबको उसको रखा है तो वो पूरा मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट के लिए आपको उसके अंदर एयर स्टोन लगाना होता है। तो समझ लीजिए जो इसके अंदर ऑक्सीजन सबसे कम पास होता है और जो इमर्ज आता है वो इसके अंदर थोड़ा सी ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है। एंड जो हम बताया ना फ्लूइडाइज, तो ये फ्लूइडाइज मीडिया जो आता है केवल मीडिया आता है, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पास होता है एंड वो कैसा रहता है, वो एक दूसरे से क्रैश होते रहते हैं। तो एक दूसरे से क्रैश होते हैं तो जो वीक वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वीक वाले, तो वो मर जाते हैं। और जो हमेशा उसके अंदर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा अगर आप देखने जाए ना, अगर तीनों भी मीडियाज में, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है फ्लूइडाइज मीडिया। तो हम मार्केट में लाने वाले थे वो, बट हमें मिला ही नहीं। बट हम 100% उसको लेकर आने वाले हैं। हमारा जो एक सेक्शन है हमने खास उसी के लिए बनाया है। तो हम बाद में फ्यूचर में कभी तो केवल मीडिया लेकर आ जाएंगे। तो बस बायोलॉजिकल मीडिया के लिए इतना ही है। तो आप देख सकते हैं हम अभी फिलहाल के लिए, तो हम जो सेरेमिक रिंग है हमारी, ये सेरेमिक रिंग जो हम हमारे जो सेक्शन है, सेकंड वाला सेक्शन है, उसके अंदर हम पूरा फिल करेंगे। देखते हैं पूरा कितना आता है या नहीं आता है, पूरा सेक्शन भरता है कि नहीं भरता है। एंड तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी बाय कर सकते हैं। एंड ये लावा रॉक हो गया, ये लावा रॉक भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप अपने जगह के, अपनी स्पेस के हिसाब से कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरनल फिल्टर यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे लावा रॉक्स खरीद लें या फिर लावा ग्रेवल्स भी आते हैं,
बट हम तो सजेस्ट करेंगे लावा रॉक से लें एंड उसको आप पूरा तोड़ तोड़ के पूरा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने इंटरनल फिल्टर में डाल लें, या फिर टॉप फिल्टर है तो टॉप फिल्टर में भी डाल सकते हैं, और इसे भी आप टॉप फिल्टर में डाल सकते हैं। इसे ये नेट में आता है, अगर आप खरीदे अलग से भी आ जाता है, तो इसको भी आप अपने टॉप फिल्टर में अच्छे से लगा कर उसके ऊपर स्पंज लगा दें, फिर उसके ऊपर आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी फिशेज के लिए। बस अभी आप देख सकते हैं ये बायोलॉजिकल मीडिया का यही काम होता है। तो एंड अभी आप सोचोगे कि आप जब अपना मैकेनिकल मीडिया लगा दिए, बायोलॉजिकल मीडिया लगा दिए, अपना जो फिल्टर हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका फिश टैंक का जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट फिर भी हमें वाटर चेंज करना पड़ता है। वाटर चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि जो अमोनिया होता है उससे कम हार्मफुल होता है नाइट्रेट, तो जो नाइट्रेट होता है फिर भी हार्मफुल होता है, बट अगर आप वाटर चेंज नहीं करोगे तो जो नाइट्रेट का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे भी आपकी फिश मर जाएगी। तो इसके लिए हमें वाटर चेंज करना होता है। वाटर चेंज करने से क्या होता है, आपका नाइट्रेट लेवल कम हो जाता है एंड जो आपका जो वाटर की क्वालिटी है और अच्छी हो जाती है, एंड फिर उसके अंदर भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया और पैदा हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से जो आपका जो टैंक है ये इस तरीके से 24 घंटे साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो आपकी जो फिशेज है, अगर आपको हेल्दी रखना है एंड आपको आप चाहते हैं कि आपकी फिश मरे ना जल्दी, बहुत काफ़ी टाइम तक आपके पास रहे, तो उसके लिए आपको इतना अच्छा फिल्ट्रेशन उसको देना पड़ेगा, तभी आपकी जो फिश है वो आप काफ़ी हेल्दी रहेगी, जल्दी से ग्रोथ होगी उसकी। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपका जो बायोलॉजिकल मीडिया होता है इसे आप कभी वॉश नहीं करना। बायोलॉजिकल मीडिया जो होता है ना वो समझ लीजिए आप लाइफ टाइम के लिए होता है, वो आप अगर एक बार अपने जो फिल्ट्रेशन सिस्टम में अगर उसको डाल देते हैं तो उसे कभी भी वॉश नहीं करना। अगर वॉश करोगे आप तो जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे उसके अंदर, तो फिर आपका जो टैंक है वो फिर उसके बाद वापस से उसके अंदर उतनी कॉलोनी बढ़ाना बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल मीडिया को आप एक बार अपने टैंक में रख दें, अगर आपके पास सम टैंक है या इंटरनल फिल्टर है या एक्सटर्नल फिल्टर है, तो उसे कभी भी वॉश मत करें, उसको आपके जो फिश टैंक का जो पानी है वो उसे हमेशा उसके अंदर ही रखे रहे। तो बस फ्रेंड अभी आप आज बायोलॉजिकल मीडिया के बारे में तो बस इतना ही था। एंड तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सेरेमिक रिंग है, ये जो हमने 10 kg बाय किया है, तो इसे अभी जो हमारे जो सम टैंक है उसके दूसरे सेक्शन में हम यही फिल करने वाले हैं। तो चलिए फिर अभी इसे हम फिल करके आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसे फिल करेंगे हमारे टैंक। आप देख सकते हैं ये हमने पूरी जो हमारे जो 10 kg सेरेमिक रिंग थी वो हमने भर दिया है, बट हमें तो लगा था कि ये पूरा फिल हो जाएगा, बट ये सिर्फ आधा ही फिल हुआ है। तो हम देखेंगे फ्यूचर में हम और ज़्यादा 10 kg लेकर आकर ये हम पूरा फिल कर देंगे, बट अभी ये इतना काफ़ी है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा फिशेज है नहीं। अगर ज़्यादा फिश रहती है तो ये और ज़्यादा लगेगा। एंड ये हमने 10 kg रखा एंड उसके ऊपर से आप ये देख सकते हैं ये 1 kg जो हम ऑनलाइन मंगाए थे ये हमने बैग में वैसे ही खाली में इसको ऐसे रख दिया है। एंड ये आप लावा रॉक देख सकते हैं, आप ये लावा रॉक जो है ये 1/2 kg है टोटल। तो अभी हमने इसको और मंगाया है लावा रॉक या फिर लावा ग्रेवल जो भी है, तो देखेंगे हम फिर उसके अंदर और ऐड करेंगे। और बायोलॉजिकल मीडिया के लिए हम K1 मीडिया, फ्लूइडाइज मीडिया जैसा हम कह रहे थे वो भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, तो बाकी देखेंगे आगे। तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। एंड ये देख सकते हैं आप जो ये हमने जो सेरेमिक रिंग एक बार ऐड कर दिया है, अब हम इसे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, मतलब बिल्कुल भी इसे यहाँ से हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल इसका वॉश नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है एज इट इज़ वैसे ही पड़े रहेगा। एंड इसके अंदर जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो ग्रो होंगे, फिर उससे जो हमारे वाटर की क्वालिटी है वो थोड़ी और अच्छी होगी। तो बस मैं आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने कमेंट नीचे करना मत भूलिएगा, प्लीज़ हमें बताइए कि हम कुछ गलत तो नहीं करते। एंड तो बस
अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है एंड ऐसे ही वीडियोस और आगे आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।